अगर आपके पास सीएनजी गाड़ी है और अपनी गाड़ी को सीएनजी भरवाने के लिए किसी भी फ्यूल स्टेशन पे जाते हैं, तो मैं आपको एक काम जरूर से करना पड़ता है कि आपको अपनी गाड़ी से बाहर निकलना पड़ता है और चाबी को पूरी तरह से बाहर निकाल देना पड़ता है। और साथ ही साथ अपनी गाड़ी में आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट चालू नहीं रख सकते हैं उस समय पे, जैसे कि हेडलाइट हो सकती है या फिर टर्न इंडिकेटर हो सकता है या फिर आपकी गाड़ी में लगा हुआ म्यूजिक सिस्टम भी आप उस समय पे चालू नहीं रख सकते हैं। सीधी शब्दों में अगर कही जाए तो बैटरी से आपकी गाड़ी का पूरा कनेक्शन काट दिया जाता है। ऐसे तो आप किसी भी फ्यूल स्टेशन पे जाते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, हर फ्यूल स्टेशन पे एक नियम होता है, आपको जब भी अपनी गाड़ी में रिफिल कराना है, चाहे पेट्रोल डलवाना है चाहे डीजल डलवाना है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। भी जो आपके आसपास के पंप हैं जहाँ पे आपको फ्यूल मिलता है, वहाँ पे ये चीज रेगुलर सही से नहीं की जाती है। पर अगर आपके आसपास कोई ऐसा पंप है कि जो डायरेक्टली कोई भी कंपनी उसे सर्व करती है, मान लीजिए एचपी हो सकती है या फिर IOCL हो सकती है, यानी जो भी कंपनी ऑपरेटेड पंप्स होते हैं, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे चाहे पेट्रोल लेंगे या फिर आप डीजल लेंगे, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप बाइक पे भी बैठे तो आपको बाइक से उतर के साइड में खड़ा होना पड़ेगा, तब वो आपकी गाड़ी में फ्यूल डालेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपको सीधा सीधा मना कर देंगे कि आप जा सकते हैं, हम आपको पेट्रोल नहीं देंगे। वैसे ये सारी चीजें आपको कंपनी ऑपरेटेड पंप पे ही देखने को मिलेंगी, पर कुछ रेप्यूटेड पंप्स भी होते हैं कि जो इन सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, पेट्रोल डीजल वाली अलग बात है, पर सीएनजी के टाइम पे कुछ ज्यादा ही सख्ती बरती जाती है। चाहे आप किसी भी सिटी में किसी भी कस्बे में चले जाओ, वहां पे अगर सीएनजी का स्टेशन है तो वहां पे आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप ये चीज नहीं मानते हैं तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, सीएनजी आपकी गाड़ी में कोई भी नहीं आपको देगा। तो उसके पीछे के रीजंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि आपको बाहर निकलना है, उसका सबसे मेन कारण ये है, अगर आप अपनी गाड़ी में बैठे रहते तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी गाड़ी में सीएनजी फिल हो रही है, ऐसे टाइम आप एक बॉम्ब के अंदर बैठे हुए हैं। बेशक आपकी गाड़ी है, पर वो एक बॉम्ब के अंदर कब बदल जाती है वो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी के पीछे रखा हुआ है एक सिलेंडर, मेटल का सिलेंडर है, उसके अंदर प्रेशराइज गैस भरी जा रही है। जो भी सीएनजी होती है उसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी गैस को कंप्रेस करके आपके सीएनजी सिलेंडर में भरा जाता है। अब इस समय पे उसका प्रेशर 200 से लेके 220 बार तक का होता है, यानी अगर फुल सिलेंडर भर जाता है, यानी आपका जैसे 12 किलो का सिलेंडर है और उसमें आपने 10 किलो गैस भरवा ली है, उसके बाद में अगर कोई ऐसा फॉल्ट होता है, या तो आपका सिलेंडर खराब हो या तो कोई भी ऐसा फॉल्ट हुआ सिलेंडर के अंदर और वो फटा, तो ऐसे केस में आप जिस गाड़ी में बैठे हैं उस गाड़ी का तो चूरा बनना तय है। उसके साथ साथ में आपके पीछे आपके आगे एक दो जो गाड़ियां खड़ी हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। गाड़ी की तो बात आप छोड़िए, आप जिस भी फ्यूल स्टेशन पे खड़े और पास में जो भी डिस्पेंसर मशीन है उसके भी परखच्चे उड़ जाएंगे। और जब भी सीएनजी का सिलेंडर ब्लास्ट होता है तभी बहुत सारी चीजों में ये भी देखा जाता है कि जिस भी फ्यूल स्टेशन पे आप खड़े उसकी छत तक उड़ जाती है। तो सोच के देखिए उस सिलेंडर में कितनी पावर होगी, और एक पल के लिए इतना सोच के देखिए, अगर उस समय आप उस गाड़ी में बैठे होंगे तो वो बॉम्ब के अंदर नहीं है तो क्या है। यहाँ पे आपकी सेफ्टी को प्रायोरिटी रखते हुए आपको हाथ जोड़ के गाड़ी में से निकाल दिया जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी में बैठे ही रहना चाहते हैं तो आपको सीएनजी नहीं मिलेगी। अब ये तो है कि बाहर निकलने वाली बात। अब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपका म्यूजिक सिस्टम हो गया, आपकी हेडलाइट्स हो गई, टर्न इंडिकेटर्स हो गए, ये सारे क्यों चालू नहीं रख सकते? इसका भी सीधा सीधा कारण है, जब भी आप अपनी गाड़ी में रेट्रोफिट करवाते हैं सीएनजी किट को, अब ऐसे में आपको फ्यूलिंग सिस्टम मिलता है आगे बोनट के पास। अब यहाँ पे आप एक चीज को समझिए, आपने बोनट को खोला और आप जहां से भी सीएनजी फिल करते हैं वो पॉइंट आपने ढूंढा, उसके आसपास अगर आप देखते हैं तो इतने सारे वायर्स होते हैं और इतनी सारी वहां पे लाइंस जारी होती हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आसपास बहुत सारे लाइव वायर्स होते हैं। अगर इस समय पे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चालू रखते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तो है ही, और ऐसे समय में जिस भी नोजल से आपकी गाड़ी में सीएनजी भरी जा रही है उसमें हल्का सा भी लीकेज हुआ तो वायर के कांटेक्ट में आने से और वायर में जाने वाली किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से हल्का भी स्पार्क निकला, अगर ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन ढूंढ लो और फिर आप इसका नतीजा सोचो, यानी कि एक तरफ से गैस का रिसाव और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी का हल्का सा स्पार्क, अब यहाँ पे भड़ाका नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये कारण होता है कि आपकी गाड़ी में सारी लाइटें और सारे इंस्ट्रूमेंट को उस समय के लिए बंद कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी गाड़ी ली है कि जिसमें आपको सीएनजी कंपनी ने फिट करके दी है, उसमें तो सिस्टम ये है ही पहले से कि जैसे आपने फ्यूल लिड को ओपन किया, जहाँ से गैस फिल हो रहा है उस जगह को आप ओपन करते हैं, आपकी गाड़ी से सारा पावर कट हो जाएगा।
तो कोई भी कंपनी अगर ऐसी सिस्टम बनाती है तो कुछ सोच समझ के ही बनाती है, ऐसे ही नहीं किसी पे थोप देती है। हमारे आसपास ऐसे लोग भी काफी मिलते हैं कि ऐसे कुछ नहीं होता है, इतनी चीजों में कुछ नहीं बिगड़ता है। बिगड़ता तो किसी चीजों में नहीं है, पर वो कहते हैं ना कि अनहोनी को एक बार जरूरत है और आपके लक को आपकी रोज जरूरत है। अभी भी आप किसी फ्यूल स्टेशन पे जाते हैं और वहां पे ऐसे नॉर्म्स हैं कि आपको गाड़ी से बाहर निकल के आपको फ्यूल मिलेगा, तो उसको मानिए, उससे बेकार का बहस करके अपना और उसका टाइम खराब ना करें। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, और जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ ऐसी ही और वीडियोस के लिए।